नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने 10वीं या 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश बोर्ड यानी एमपी बोर्ड से पास की है किसी भी साल में और आपका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट गुम हो गया है या फिर ख़राब हो गया है, तो आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी मंगा सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सब कुछ आप अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जानकारी अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आपको सारा प्रोसीजर करना है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया और मैंने वो वेबसाइट भी ओपन कर रखी है जिसके द्वारा मुझे अपनी मार्कशीट मंगानी है। तो यहाँ देखिए, वेबसाइट ओपन है और यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको फिल करना है। क्लास आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस क्लास का चाहिए, तो मुझे 12th का चाहिए, 10th का भी ऑप्शन है इसमें। दस्तावेज के प्रकार में आके आप डुप्लीकेट मार्कशीट मंगा सकते हैं, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं और डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए, सेलेक्ट कर लिया। यहाँ परीक्षा पर आके आप मेन और सप्लीमेंट्री दोनों में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने मेन सेलेक्ट कर लिया। वर्ष किस ईयर का चाहिए, दोस्तों आप देख सकते हैं 1960 से लेके 2019 तक का डिटेल्स है। किसी भी साल में आपने पास किया हो आप यहां से उसे मंगा सकते हैं। तो हम 2070 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों आपको यहां पे रोल नंबर डालना है। रोल नंबर बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बिना रोल नंबर के आप कोई भी टास्क आगे नहीं कर पाएंगे। तो रोल नंबर मैंने सेव कर रखा है। मैं उस रोल नंबर को एक बार यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं होगा दोस्तों, तो मुझे इस रोल नंबर को देख के ही टाइप करना होगा। 27173, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 27173 और एक बार और हमें देखना होगा 73736। तो दो बार डाल देते हैं यहाँ पे 3736, ये डाल दिया आपने। कैप्चा यहाँ पे है उसे आप डाल दीजिए, डी कैपिटल में ही है, डी बी जी जी और स्मॉल में एच। किस सेंसिटिव कई बार होता है, तो आप डाल दिया। जैसे ही आपने डाला, देखा दोस्तों आपने वैलिड डिटेल डाला था, तो यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी है। स्टूडेंट का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रेगुलर से किया है प्राइवेट से किया है वो आ चुका है। स्कूल कौन स्कूल से स्कूल में पढ़ाई की थी वो आ गया है। किस सेंटर पर एग्ज़ाम दिया तो वो भी आ चुका है। परीक्षा का परिणाम क्या है, फर्स्ट डिवीज़न और साइड डिटेल आ चुकी है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपना एक पहचान पत्र यहाँ पे उसकी फ़ोटो कॉपी यहाँ पे स्कैन कॉपी या फ़ोटो कॉपी आपको अटैच करनी है। याद रखिएगा, आधार कार्ड वैलिड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कृपया पहचान पत्र में आधार कार्ड अपलोड ना करें। आधार कार्ड को छोड़ के ये डिटेल्स है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, एफिडेविट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, राशन कार्ड, तो कुछ भी आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा और उसकी फिजिकल कॉपी स्कैन करा लीजिए और 200 KB से ज़्यादा का ना हो उसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। दोस्तों अभी मेरे पास उसकी फिजिकल कॉपी नहीं है स्कैन किया हुआ, तो मैं करवा के यहाँ पर अपलोड करूँगा। खैर, जब आप इसे अपलोड करेंगे उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना होगा कि किस एड्रेस पर आप मंगाना चाहते हैं। आप जहाँ पे भी हो इंडिया में, आप वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं, मकान नंबर, कॉलोनी, गांव, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब डाल के आपको ये सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह का एक मैसेज आएगा जिसमें आपको पेमेंट के लिए कहा जाएगा। 300 रुपये जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की प्राइस फ़ी है और 25 रुपये आपका कोरियर चार्ज है। तो 325 रुपये आपको पे करना होगा। पेमेंट आप चाहें तो UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, कैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। तो आप उसे ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे ही आपको एक आपका एक यूनिक इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा और आप उसका प्रिंट आउट भी लेके रख सकते हैं। विद इन 20 दिन यानी 20 डेज के अंदर आपके दिए गए एड्रेस पे आपका सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट कॉपी आपको मिल जाएगी। अगर देर होता है और आप बीच में भी चाहते हैं उसका स्टेटस चेक करना कि भाई मेरा कोरियर डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ, सर्टिफिकेट चला कि नहीं चला, तो आपको मैं एक और वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ दोस्तों, वहाँ पर जाके आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ और उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए पहले चलते हैं, बुकमार्क मैंने कर रखा है तो सबसे नीचे होगा ये रहा
MPBSC डिस्पैच स्टेटस, ये भी एक वेबसाइट है, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पे आप रोल नंबर डालिएगा, ईयर डालिएगा और एग्ज़ाम डालिएगा और कैप्चा प्लस माइनस में आते ये डाल के सबमिट करेंगे, आपको दिखा देगा। उसके बाद से आपसे पूछेगा वो इनरोलमेंट नंबर जो आपको पेमेंट करने के बाद मिला था, वो डालने के बाद से आपको आपका स्टेटस शो कर देगा कि वो डिस्पैच हो चुका है, किस डेट में हो चुका है, कोरियर का जो नंबर है वो क्या है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों, आप मध्य प्रदेश से अगर आपने 10वीं 12वीं की है तो उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट आप बड़ी आसानी से फिजिकली मंगा सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। मैंने आपको दिखाई दिया कि किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी है आप देख सकते हैं मोबाइल में। तो दोस्तों, मुझे आपको ये वीडियो में बताना था, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो पुनः आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से और लोग जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको इस जानकारी की ज़रूरत है, मार्कशीट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, वो इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा पाएंगे। मिलूँगा फिर अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय दोस्तों।